जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का हिंदी का मॉडल पेपर। तो फाइनली बोर्ड ने जारी कर दिया है 2022 का मॉडल पेपर, ठीक है। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए और वीडियो को तुरंत दोस्तों लाइक करना ना भूलिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं भी अपना अगला मोटो रखूँ बनाने के लिए वीडियो। तो पहला हमारा दिया है दोस्तों, इसे आप पढ़ लेना 3 घंटे 15 मिनट, यानी 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और 3 घंटे हल करने के लिए। तो पहला देखेंगे, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। तो पहले तो आपको मिलेगा प्रश्न पढ़ने के लिए 15 मिनट, फिर है प्रश्न पत्र में 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ खंड बा, ये 2 खंडों में विभाजित है। फिर खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। खंड आ इसमें 20 MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर है खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के समूह अंक अंकित, यानी उसके सामने नंबर है कितने नंबर का दिया हुआ है। तो पहला हमारा दिया है भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, तो भारतेंदु युग के निबंधकार दोस्तों कौन है तो आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, श्यामचंद्र दास, रामचंद्र शुक्ल। फिर गोदान की रचना है, तो गोदान जो है ये उपन्यास दिया है, ठीक है, उपन्यास। और दोस्तों इसका आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, आप प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि दोस्तों आपके लिए कमेंट करना बिल्कुल फ्री है, आपके पैसे लगने वाले नहीं, तो प्लीज़ कमेंट करना। तो सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं, कुल 5 पात्र हैं, कुल 4 पात्र हैं, कुल 12 पात्र हैं, कुल 10 पात्र हैं, कितने पात्र हैं आपको बताना है। फिर भारतेंदु के पूर्व हिंदी के गद्य के प्रमुख लेखक हैं राधा किरण दास, राजा शिवप्रसाद, सितारे हिंद, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। आदिकाल को अन्य किन नामों से जाना जाता है, मध्यकाल, श्रृंगारकाल, वीरगाथाकाल, युद्धकाल। फिर पृथ्वीराज राजा किसकी रचना है, तो दिया हुआ हमारा नरपत न्याला, चंद्रवरदाई, जनपद विजय, विद्यापति। जो आपको अच्छा यानी जो सही हो वो आपको लिखना है। फिर है सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है, सूफी काव्यधारा, कृष्ण शाखा, ज्ञानश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा। फिर है साखी शबद रमैनी किसकी रचना है, साखी शबद रमैनी, तो ये कबीरदास है, ठीक है, कबीरदास है। और दोस्तों जो जो मैंने नहीं बताया वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ कमेंट करना कि सर आप बता दीजिए, मैं यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा इसको सॉल्यूशन के साथ। फिर है देख रूप सोचल ललचाने हर सजाने निजी पहचाने में निम्नलिखित रस है दोस्तों, इसमें से कौन सा रस है आपको बताना है, श्रृंगार रस है कि वीर रस है कि शांत रस है कि करुण रस है। फिर है बंधव गुरु पद पदम परागा सुरेश सुभा सरस अनुराग के प्रत्येक चरण कितनी मात्राएँ हैं, 11 मात्राएँ हैं, 16 मात्राएँ हैं, 20 मात्रिकाएँ हैं, 13 मात्राएँ हैं, कितनी मात्राएँ हैं। फिर तरन तरण तरतमाल तरवर बहुछाव में अलंकार है दोस्तों, कौन सा अलंकार है वो आपको इसे लिखना है। फिर यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति 4 ऑप्शन दिया हुआ हमारा, शक्ति प्लस अनुसार, यथन शक्ति, यथा प्लस शक्ति, यथा प्लस अनुसार, तो इसमें से कौन सा है वो आपको लिखना है। फिर माता पिता दिन रात आज के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ये योजक जो जो ये है जो लगा है बीच में ये योजक चिन्ह है, ठीक है, माता और पिता, इसलिए माता और पिता दोस्तों ये जो लगा रहता है ये इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है, क्या दोस्तों योजक चिन्ह। फिर अस्थि शब्द का तद्भव बताइए, तद्भव दोस्तों अस्थि में होता है हड्डी, ठीक है, अज्ञान का विलोम है, तो अज्ञान का क्या होगा दोस्तों आप कमें आपको कमेंट बताना है। फिर कमल, राजीव, जलज, नलिन आदि कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं आपको कमेंट में बताना है। फिर है महाशय का संधि विच्छेद है, महाधन आशय, महाधन आशय, महाधन से महान, महाधन आलय। फिर रामय रूप है राम का दोस्तों, इसमें कौन सा सही आपको बताना है। फिर गच्छंद रूप है गम धातु का, कौन सा सही आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हमारा। क्री धातु विधिलिंग लकार माध्यम पुरुष द्विवचन के रूप बताइए। फिर आप खंड बा में आ जाइए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, मोटर चली गई बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की
भांति निश्चित खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते जो अपने आमोद प्रमोद की आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका जो उसे अब भी विश्वास न आता था, सभ्य संसार इतना निर्मम इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक नहीं हुआ। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लोग लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी के लाभ को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जो दोस्तों आपको 6 नंबर मिलेगा, कितना नंबर दोस्तों? 6 नंबर आपको लिखना पड़ेगा। भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है? पुराने समय के जीवों को व्यवहार कैसा था? ठीक है, तो 3 क्वेश्चन दिए हुए हमारा किधर, तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 × 2 = 6 आपको करके दिया है दोस्तों। अगर आप इसे नहीं कर सकते तो आप इसे कर दीजिए। दुनिया में 2 अमोघ शक्तियाँ हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं है कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है। महात्मा गांधी जी ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की निर्मता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की है। दोस्तों इसमें भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। शब्द कृति से लेखक का क्या तात्पर्य है? गांधी जी ने किसका उपासना की है? कस्तूरबा कैसी महिला थी? ठीक है, अगर आप दोस्तों इसका सोल्यूशन के साथ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को तो लाइक कर देना, और मैं कहना और मैं इसको सोल्यूशन के साथ में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिर निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। अब पद्यांश में आ जाइए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस जमानी समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चिकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन रात। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्त करे रह दासा। तो दोस्तों इसकी भी है, राती सुनाही मोती शब्द के तत्व रूप लिखना है। जैसे चितवत चंद चिकोरा में कौन सा अलंकार है, और जाकी ज्योत बैर दिन रात का आशय स्पष्ट करना है। आपको मिलेंगे 6 नंबर, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। आत्म करके दिया दोस्तों, अगर आप उसे नहीं कर सकते तो आप इसे कर दीजिए। ठीक है, मैंने झुक नीचे को देखा तो जल की आशा की रेखा, विप्रवर स्थान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दुर्वा दल तंडुल दिल। फिर इसमें भी आपको उतने मिलेंगे जितना पहले दिया है। फिर कवि के नीचे झुककर क्या देखा, दान कविता में कवि द्वारा किए गए व्यंजनों के लिखे। तो इसमें दोस्तों सेम क्वेश्चन है जो 6 नंबर का होगा। फिर निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में दोस्तों आप सेकंड आ जाइए, हिंदी सेकंड। तो दोस्तों आप इसे पढ़िए और इसका दोस्तों संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, जो 4 नंबर का होगा। अगर आप इसे नहीं कर सकते तो आप इसे कर दीजिए, आप इसे नहीं कर सकते तो आप इसे कर दीजिए, यानी इसमें से आपको एक करना है। फिर आइए पद्यांशों में, तो इसका संदर्भ इसके भी 4 नंबर मिलेगा। संदर्भ व्याख्या में आप इसे नहीं कर सकते तब इसे कर दीजिए, और अब इसे नहीं कर सकते इधर इसे कर दीजिए। ठीक है, जो 4 नंबर का होगा। फिर देवदन एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए, जो 5 नंबर का होगा। ठीक है, अब आप इसे नहीं कर सकते तब इसे कर दीजिए, लक्ष्मी का स्वागत। फिर निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय दोस्तों आप लिख दीजिए, प्रेमचंद का, जमादी वर्मा का, रविन्द्रनाथ टैगोर का। फिर आ जाइए निम्नलिखित में से किसी परिचय देते हुए उनकी कवि की रचनाओं का उल्लेख कीजिए, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों क्या लिखना है, 2 रचनाओं का उल्लेख, जयशंकर प्रसाद आप लिख दीजिए, कमायनी। ठीक है, कमायनी लिख दीजिए, या छाया लिख दीजिए, या चंद्रगुप्त लिख दीजिए, या स्कंदगुप्त लिख दीजिए, या जन्मेजय का नागरिक लिख दीजिए, या करोड़ाली लिख दीजिए। और कबीरदास है दोस्तों आपको मैंने अभी बताया, साखी सबद रवैनी बीजक हरिवंश राय बच्चन, तो क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर अपनी पाठ पुस्तक से कोई कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक, तो आपको दोस्तों हमेशा 2 श्लोक याद रखो। ठीक है, कितना दोस्तों? 2 श्लोक, एक तो एक लिख सकते हो। फिर निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए, तो अब इसमें से आपको 2 करने हैं। और कितना दिया दोस्तों? 4 दिया है। फिर निम्नलिखित मुहावरों में से एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, ऊंट के मुंह में जीरा, ईद का चांद होना, अकल बढ़िया भैंस, अंधे का लकड़ी होना, जो आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में लिखिए, जो 4 नंबर का होगा। फिर शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिए, जो 5 नंबर का होगा। ठीक है, आप इसे नहीं कर सकते तो आप इसे कर दीजिए, इसे नहीं कर सकते तो आप इसे कर दीजिए, सब मिला के दोस्तों 5 नंबर का मिलेगा। तो दोस्तों
वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है और आपके लिए बना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।